हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्नल 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो एडवांस वेब डिजाइनिंग की जो फर्स्ट एसओपी हम लोगों को दी गई है, तो इस फर्स्ट एसओपी को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एडवांस वेब डिजाइनिंग की फर्स्ट एसओपी हम लोगों को यहाँ पे दी गई है, जिसमें यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल फाइव, एचटीएमएल फाइव की मदद से हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करना है। और ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी वेबसाइट क्रिएट करना है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल फाइव एंड सीएसएस। तो यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल फाइव एंड सीएसएस की मदद से एक वेबसाइट क्रिएट करना है यूजिंग एनी फोर सीएसएस प्रॉपर्टीज, और वहाँ पे हम लोग सीएसएस के फोर प्रॉपर्टीज यूज करना है। अब सीएसएस के तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, इन सभी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट की गई है, जो इसी चैनल पे आप लोगों को सीएसएस की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोर प्रॉपर्टीज ही यूज करने लगे, बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है सीएसएस में। उसके आगे यहाँ पे दिया गया हम लोगों को राइट अ कोड फॉर टू सेपरेट पेजेस हैविंग डिफरेंट फाइल नेम्स। अब यहाँ पे हम लोगों को टू सेपरेट पेजेस क्रिएट करना है और डिफरेंट फाइल नेम such as a first page as a index.html and second page as a page2.html। तो यहाँ पे हम लोग टू सेपरेट पेजेस क्रिएट करने हैं, फर्स्ट पेज होगा हम लोग का index.html और सेकंड पेज होगा page2.html। अब जैसे ही क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट तो हम लोग एक index.html ये पेज क्रिएट करना है, उसके बाद page2.html ये पेज क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पे इसे हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे, और यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड इस आइकॉन पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने के बाद में ये VS कोड सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं, इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बनाई गई है, जो CSS के प्लेलिस्ट में है। इस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब VS कोड सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम नॉर्मली क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन इसी में मैं आप लोग मिक्स नहीं करूंगा। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे इस फोल्डर का नेम दे देंगे SOP। अब जैसे यहाँ पे SOP ये फोल्डर नेम दे देंगे, एंटर कर देंगे, और इसी SOP फोल्डर के अंदर हम लोग अपनी फाइल क्रिएट करने लें, जो भी index.html है और यहाँ पे page2.html है। अब जैसे इस फाइल का लोकेशन कहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी ड्राइव में HTML नेम का फोल्डर है, उसके अंदर SOP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर अब हम लोगों की फाइल स्टोर होंगी। तो जैसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग फाइल नेम दे देंगे index.html, HTML एक्सटेंशन है, ये देना आप लोगों के लिए कंपलसरी। उसके बाद में हम लोग एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एक साइड देखेंगे index.html की ये फाइल हम लोग क्रिएट हो गई। उसके बाद सेकंड फाइल में हम लोग क्रिएट करना है इसी SOP के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, फिर से न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फाइल नेम देंगे अब हम लोग page2.html और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये page2.html ये फाइल भी यहाँ पे हम लोग क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे इसे हम लोग एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं index.html एक फाइल हम लोग क्रिएट होकर page2.html ये भी फाइल हम लोग की क्रिएट होगी। अब यहाँ पे index.html पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे फिर से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइल क्रिएट की, उसके बाद में क्या है, यूज एनी थीम सच एज अ कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल इटीसी। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक थीम यूज कर सकते हैं, जैसे कॉलेज प्रोफाइल के लिए थीम यूज करो, या फिर कंपनी प्रोफाइल के लिए, हम लोग यहाँ पे कॉलेज प्रोफाइल के लिए थीम क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में एवरी पेज मस्ट कंटेन प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन एंड डिजाइन वेब पेज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम लोगों को एक मेटा इन्फॉर्मेशन देना है, जो SEO जो हम लोगों का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें डिटेल में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन इसे कहा जाता है। अब मेटा इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, तो फर्स्ट हम लोग अपने फिर से प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे VS कोड index.html पेज यहाँ पे ओपन है, सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी मार्क्स देना है और यहाँ पे एंटर करना है। तो HTML का पूरा स्ट्रक्चर भी आप लोग सामने यहाँ पे शो होगा, और जो मेटा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बाकी का सब कुछ एज इट इज जैसे ऐसे रख देंगे, सिर्फ यहाँ पे मेटा नेम जो यहाँ पे व्यू पोर्ट, तो यहाँ पे इसे हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे कीवर्ड, कीवर्ड टाइप करने के बाद में जो कंटेंट हम लोगों को चाहिए, कंटेंट हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो कंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे स्टूडेंट्स टाइप कर देंगे, और कॉमा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेस यहाँ पे फॉर्म टाइप कर देंगे, स्टूडेंट का फॉर्म भी आगे हम लोग क्रिएट करने लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्म एक दे दिए आप लोग को, और भी यहाँ पे मेटा टैग का अगर आप लोग और एक्स्ट्रा देना है तो आप लोग यहाँ पे इसे इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, एंटर करके यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी कॉपी के कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट की। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे मेटा का, यहाँ पे दे देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन
ये टाइप कर देंगे, उसके बाद कंटेंट हम लोग अपने अकॉर्डिंग फिर से कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे इसे यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे और ये हम लोग कॉलेज की यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करें, तो यहाँ पे कॉलेज वेबसाइट ये टाइप कर देंगे। कॉलेज वेबसाइट टाइप के उसके बाद जैसे ये ऑनलाइन अगर आप लोग यहाँ पे रिमूव भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने मेटा इन्फॉर्मेशन दिए, फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन में आने के बाद में जैसे अब यहाँ पे हम लोगों का ये मेटा इन्फॉर्मेशन देना था एंड डिजाइन वेब पेज एज फॉलोज। अब यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन देने के बाद में अब हम लोगों को डिजाइन करना है वेब पेज एज फॉलोज। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना वेब पेज क्रिएट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पेज में हम लोग क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग व्हिच इज हाईएस्ट अमंग अदर टेक्स्ट ऑन पेजेस एंड मस्ट बी एट सेंटर ऑफ दिस पेज। मतलब यहाँ पे हम लोगों को एचटीएमएल में जैसे जो फर्स्ट पेज हम लोगों का, तो वहाँ पे एक हेडिंग हम लोगों को क्रिएट करना है और उसे यहाँ पे सेंटर सेक्शन लेना है। जो हेडिंग हम लोग लेंगे वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अदर टेक्स्ट, जो अदर टेक्स्ट हम लोग देने वाले उससे ज्यादा इसकी साइज चाहिए हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग अपने फिर से प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब तो यहाँ पे बार बार हम लोग को ये प्रोग्राम में आना है, फिर से हम लोग अपनी फाइल पे यहाँ पे आना है जिसमें हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसमें ज्यादा यहाँ पे आप लोग बार बार टैब चेंज करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन है इसे हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे और जो हम लोग का प्रोग्राम है इसे भी हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो एक साइड आप लोग ये प्रोग्राम शो होगा, एक साइड आप लोग ये क्वेश्चन शो होगा। क्वेश्चन थोड़ा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा समझ में आ जाए। ये एसओपी 1 का हम लोग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग को हेडिंग चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग में हेडिंग के लिए यहाँ पे H1 टैग यूज कर देंगे। और H1 टैग में यहाँ पे आप लोग अपने जो भी कॉलेज का नेम आप लोग दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉलेज नेम बस यही टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद में जैसे कॉलेज नेम हम लोग को सेंटर सेक्शन में चाहिए, पहले तो हम लोग इसका चेक करेंगे आउटपुट, ये कॉलेज नेम हम लोग अपने वेब पेज पे सही से शो हो रहेगा। तो अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग गो लाइव ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज आप लोग फंक्शन के F5 प्रेस करके भी अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है तो गो लाइव इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है इसका, उसमें इसका आउटपुट यहाँ पे सही से हम लोग को शो हो जाएगा, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कॉलेज नेम इतना बड़ा यहाँ पे आप लोग शो रहे, ज्यादा ही हाईएस्ट हुआ। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस मैंने जो CSS की वीडियो बनाया था उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने साइज इंक्रीज किए थे, ये वेब ब्राउजर जो है इसकी साइज इंक्रीज हुई थी। जैसे मैं इसे 100% पे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखा 300 हुआ, 250 हुआ, 200, 175, 150, 125 और यहाँ पे 100 तक ये हम लोगों का यहाँ पे साइज हुआ। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल इसकी साइज है टोटल। जैसे ब्राउजर की साइज इंक्रीज होने की वजह से ये साइज यहाँ पे टेक्स्ट से ज्यादा बड़े दिख रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए कॉलेज नेम यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग H1 में यहाँ पे कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करें, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है इसे आप लोगों को सेंटर ऑफ द पेज लेना है, मतलब सेंटर में लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आउटपुट में आ जाएंगे और ये जो प्रोग्राम है हम लोगों का, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करें। हेड टैग के अंदर आप लोगों को यहाँ पे स्टाइल ये टैग नेम देना है और स्टाइल टैग के बिटवीन यहाँ पे जैसे आप लोग H1 के ऊपर काम करें तो यहाँ पे हम लोग देंगे H1 एज अ सिलेक्टर ले लेंगे। अब सिलेक्टर क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग CSS के प्लेलिस्ट में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो H1 एज अ टैग ये हम लोग का सिलेक्टर ले लेंगे। हम लोग यहाँ पे ओपन कर ले से क्लोज कर ले इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे देंगे सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर के कंट्रोल S के, तो यहाँ पे आप लोग देंगे जो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे शो कॉलेज नेम ये सेंटर सेक्शन में यहाँ पे आप लोग शो हो जाएगा। उसका नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है देर मस्ट बी अ पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीम चूजन। तो जो आप लोगों ने थीम ली हुई है, जैसे आप लोगों ने अगर कॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करें तो कॉलेज थीम हम लोगों ने ली हुई है, तो उसके लिए आप लोगों को इंट्रोड्यूसेस जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना है, जनरल इन्फॉर्मेशन देना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे पी टैग हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे H1 के बाद में यहाँ पे पी टैग हम लोग यूज कर देंगे और पी टैग में जैसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लोग टाइप करना है, आप लोग टाइप करना है एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करना। जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ लोरेम का एक पैराग्राफ ले लेंगे, लोरेम का पैराग्राफ लेने के बाद में जैसे इसे कंट्रोल S कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अपने आउटपुट में चेक करेंगे पैराग्राफ कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो है। आप लोग और भी इसके आगे टेक्स्ट कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप लोग स्पेस दे दोगे। जो टैग आप लोगों का क्लोज हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं आप लोग क्लियर कर दूँ ये टैग क्लोज हुआ है, यहाँ पे आप लोग फिर से लोरेम टाइप कर दोगे, टैब की प्रेस कर दोगे तो और एक पैराग्राफ इसके अंदर ऐड होगा, मतलब इसी के आगे कंटिन्यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल S करके आप लोगों को बता दूँ इसी के आगे कंटिन्यू हुआ है लोरेम का पैराग्राफ। तो कुछ इस टाइप में हम लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ शो हो रहा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट आप लोगों को टाइप करना है यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का पैराग्राफ। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग एंड 1 इमेज विथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग यूज करना है उसी पैराग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बी टैग है, आई टैग है, यू टैग है, SUP टैग है, SUB टैग है। तो यहाँ पे इतने सारे टैग है, इसे फिजिकल टैग कहा जाता है।
इसमें सिर्फ 3 टैग हम लोग यहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से अपने प्रोग्राम में जो आप लोग ये प्रोग्राम का पैराग्राफ यहाँ पे शो रहा है, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फर्स्ट हम लोग जो फिजिकल टैग यूज करेंगे ये टैग करेंगे बी टैग हम लोग यूज करेंगे। बी टैग बोल्ड के लिए यूज किया जाता है, बी टैग यहाँ पे ओपन के क्लोज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। इससे कंट्रोल एक्स कट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी की। पेस्ट करने के बाद में जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम पे आ जाएंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते जो टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बी टैग के लिए दिया है एमेट, तो ये सेम आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसके ऊपर बोल्ड इफेक्ट अप्लाई हुआ है। उसके बाद में फिजिकल फर्स्ट टैग हुआ हम लोगों का, सेकंड टैग हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे जो आई टैग होगा, आई टैग इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आई टैग दिए, उसके बाद में जो क्लोज हुआ ये टैग इसे यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बिटवीन जो भी टेक्स्ट आ जाएंगे ये इटैलिक में आप लोगों को शो होगा, कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इटैलिक में टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में जैसे आप लोगों को अंडरलाइन चाहिए किसी टेक्स्ट के नीचे तो यहाँ पे हम लोग यू टैग यूज करेंगे, यू टैग यहाँ पे टाइप किए ओपन करके यहाँ पे क्लोज जो टैग हुआ है इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके कट कर देंगे कंट्रोल एक्स और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आप लोगों को यहाँ पे सही से शो हो जाएंगी। तो ये हुए हम लोगों के 3 फिजिकल टैग। फर्स्ट टैग हम लोगों ने बी टैग यूज किया बोल्ड के लिए, उसके बाद में आई टैग यूज किया इटैलिक के लिए और यहाँ पे यू टैग यूज किया हम लोगों ने अंडरलाइन के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 फिजिकल टैग यूज किए। उसके बाद में आगे उसके दिया गया है एंड वन इमेज विथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग एक इमेज ऐड करना है जो अल्टरनेट टेक्स्ट के साथ में, अल्टरनेट मतलब यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज पहले यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो इमेज हम लोग चाहिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इमेजेस पे क्लिक कर देंगे और सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप कर देंगे कॉलेज, कॉलेज की कोई एक इमेज ले लेंगे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देंगे कॉलेज के रिगार्डिंग इतने सारे रिजल्ट आप लोगों को शो होंगे, इसमें जो भी इमेज चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ये वाली इमेज ले लेंगे, ये ले लेंगे या फिर जैसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो यहाँ पे इतने सारे इमेजेस हैं, उसमें जो भी इमेज चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये इमेज ले लेंगे, ये इमेज लेने के बाद में जैसे इमेज यहाँ पे शो रही इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को सेव इमेज एज पे क्लिक करना है। सेव इमेज एज पे क्लिक करने के बाद में जो भी इमेज का नेम है यहाँ पे आप लोग शोगा या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम दे सकते हैं। ये जो फाइल है डॉट पीएनजी, पीएनजी एक्सटेंशन में, जेपीजी एक्सटेंशन में जो भी, तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखना है जैसे मैं आगे क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। अब यहाँ पे हम लोग इस फाइल का नेम दे देंगे कॉलेज, ये इमेज फाइल का नेम दिए कॉलेज और डॉट पीएनजी वो एक्सटेंशन उसके साथ में है ही। जैसे सेव बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड में हम लोग का सेव होगा। हम लोग फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे या शॉर्टकट की विंडो ई प्रेस करोगे तो भी आप लोग फाइल एक्सप्लोर पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कॉलेज डॉट पीएनजी ये फाइल यहाँ पे हम लोग को शो रही। फाइल एक्सप्लोर में जैसे डी ड्राइव में एचटीएमएल नेम का फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, एसओपी पे डबल क्लिक करेंगे और जो फाइल थे उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फाइल कहाँ पे तो हम लोग डाउनलोड में, तो यहाँ पे फिर से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट कर देंगे, फिर से अपने अपने डी में लोकल डिस्क डी में आ जाएंगे, एचटीएमएल पे डबल क्लिक कर देंगे फोल्डर पे, एसओपी पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। तो फाइल हम लोग यहाँ पे शो होंगी, जिस लोकेशन पे हम लोग अपने प्रोग्राम सेव करें उसी लोकेशन पे फाइल आप लोग को स्टोर करना है। अगर अलग जगह पे आप लोग स्टोर करें तो वो पूरा लोकेशन आप लोग वहाँ पे पाथ एज देना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लोकेशन पे हम लोग की फाइल है उसी लोकेशन पे हम लोग इमेज फाइल रख देंगे। फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को इमेज इसके अंदर ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आईएमजी टैग यूज करेंगे जो इमेज टैग के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग सिर्फ फाइल नेम दे देंगे जो भी हम लोगों की कॉलेज जो आप लोग यहाँ पे शो होंगे कॉलेज डॉट पीएनजी ये फाइल आप लोग शो होंगे, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे या पूरा नेम आप लोग क्लिक करना है, जो फाइल होंगे आप लोगों के विद एक्सटेंशन आप लोग यहाँ पे टाइप करना है और अल्ट में आप लोगों को उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब अगर इमेज डिलीट हो गई तो यहाँ पे इमेज शो नहीं होती तो वो इमेज कौन सी थी वो टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। जैसे इमेज के रिगार्डिंग भी वीडियो क्रिएट की गई है तो उस वीडियो की लिंक भी आप लोग को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें डिटेलिंग में सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट हम लोग दे देंगे, ये हम लोगों की कॉलेज इमेज है, बस इतना टाइप किए, टाइप करना कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज आप लोग कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो होंगी। और जैसे स्क्रीन मैक्सिमाइज करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते कॉलेज नेम सही से शो हुआ, पैराग्राफ सही से शो और इमेज यहाँ पे सही से शो होगी। अब ये इमेज को अगर आप लोग यहाँ पे सेंटर में लेना है तो सेंटर सेक्शन में भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे मैं आगे आप लोग क्लियर करूंगा। इसे फिर से हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे, हाफ स्क्रीन करने की वजह से इमेज सेंटर में शो रही लेकिन लेफ्ट में, जैसे मैं आगे आप लोग क्लियर करूंगा सेंटर में कैसे लेना है। अब ये इमेज हम लोगों ने ऐड की, उसके अंदर फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर देंगे हम लोग, दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू अदर पेज विथ प्रॉपर नेविगेशन लिंक। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नेविगेशन लिंक से आप लोगों को यहाँ पे
कनेक्ट करने हैं टू पेजेस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टू पेज एचटीएमएल के लिए बनाए थे, एक इंडेक्स था और यहाँ पे पेज टू था। अब इंडेक्स से हम लोगों को टू पेज कनेक्ट करने हैं, जैसे पेज टू ये हम लोगों का एक पेज हुआ और एक हम लोग एक पेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से अपना एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एसओपी पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और इस फाइल का नेम दे देंगे हम लोग पेज थ्री डॉट एच टी एम एल। ये दे दिए एंटर किए तो यहाँ पे आप लोग देख लोगे पेज थ्री डॉट एच टी एम एल फाइल हम लोग क्रिएट हो गई। हम लोग फिर से अपना इंडेक्स एच टी एम एल इस प्रोग्राम पे आ जाएंगे और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर यहाँ पे हाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी पेज से हम लोग ये टू पेज यहाँ पे लिंक करना है। तो इसके लिए हम लोग एच वन टैग जो हम लोग का इसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप लोग यूएल टैग भी यूज कर सकते हैं या फिर नेव टैग नेविगेशन टैग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेव टैग यूज करें। नेव टैग में हम लोग यहाँ पे ए टैग यूज करेंगे। ए टैग यहाँ पे एंकर टैग इसे कहा जाता है जो हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है। और ए टैग में जो एच रेफ हाइपरलिंक रेफरेंस इस एट्रीब्यूट की मदद से आप लोग अपने वेब पेज को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को फर्स्ट पेज यहाँ पे पेज टू डॉट एच टी एम एल इसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग पेज टू डॉट एच टी एम एल ये यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये पेज किस चीज़ का हम लोगों का, तो यहाँ पे जैसे आगे आप लोग क्लियर किया हुआ है ये हम लोगों का फीडबैक फॉर्म है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टेक्स्ट पहले से यहाँ पे दे देंगे फीडबैक ये नेम दे देंगे। आप लोग अपने अगर फीडबैक फॉर्म या फीडबैक ये नेम आप लोग यहाँ पे दे देना। जैसे हम लोग सिर्फ फीडबैक नेम दे देंगे और उसके बाद में ये जो टैग हम लोगों ने यहाँ पे ए टैग दिया हुआ है पूरा यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे न्यू टैग जो ओपन किया और क्लोज के बीच में यहाँ पे आप लोग फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जो ए टैग यहाँ पे फर्स्ट पेज के लिए हम लोग देंगे जो पेज टू डॉट एच टी एम एल दिया हुआ है और सेकंड पेज लिंक जो हम लोग देंगे यहाँ पे ये होंगे हम लोग पेज थ्री डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे इससे हम लोग अपने अकाउंट जो भी नेम चाहिए जैसे कॉन्टेक्ट अस है या जैसे अबाउट अस है, हम लोग अपने अकाउंट जो भी यहाँ पे टेक्स्ट जो अपने वेब पेज पे शो करना चाहते वो यहाँ पे हम लोग टाइप कर, जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे एक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट टाइप किए, टाइप करने के बाद में जैसे हम लोग इस प्रोग्राम कंट्रोल एस सेव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अपने आउटपुट में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग फीडबैक और कॉन्टैक्ट ये आप लोग जो हाइपरलिंक दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को सही से शो हो रहा है। अब इसे भी आप लोग सेंटर सेक्शन में लेना है या मैं आगे आप लोग क्लियर कर दूँ कैसे लेना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले तो क्वेश्चन अपना फिर से आगे का जितना भी ये कंटिन्यू कर देंगे। अब जो दो लिंक्स हम लोगों को देना है हम लोगों ने दे दिए। अब जैसे वो लिंक्स वर्क कर रही है नहीं कर रही है चेक करना है हम लोगों को। जैसे आप फीडबैक पे क्लिक किए, फीडबैक पे क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे पेज टू डॉट एच टी एम एल ये पेज यहाँ पे ओपन हुआ, या फिर जैसे हम लोग क्या करें इसे बैक कर देंगे और हम लोग जो ये पेज टू है हम लोगों का इस पर आ जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स दे देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एच वन टैग दे देंगे और इसके अंदर हम लोग टाइप कर देंगे ये हम लोगों का फीडबैक फॉर्म है। फीडबैक फॉर्म टाइप किए, कंट्रोल एस की, कंट्रोल एस करने के बाद में जैसे फीडबैक पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीडबैक फॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद बैक कर देंगे, जो कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर भी हम लोग क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे चले जा रहे हैं, देखेंगे पेज थ्री डॉट एच टी एम एल इसे हम लोग ने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज थ्री डॉट एच टी एम एल एक कनेक्ट किया हुआ है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे देंगे, एच टी एम एल प्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एच वन टैग यूज कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ये हम लोगों का कॉन्टैक्ट अस का ये पेज है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस टाइप किए, कंट्रोल एस किए और यहाँ पे हम लोग बैक कर देंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके चेक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस के इस पेज पे हम लोग आ रहे हैं। अब फिर से हम लोग बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोगों का पेज दिया हुआ ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम लोग अब सेकंड पेज के लिए काम करेंगे जो हम लोगों का पेज टू डॉट एच टी एम एल है। अब यहाँ पे दिया गया है द सेकंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबैक और एनरोलमेंट फॉर्म रिलेटेड विद देन चूजन विद फीचर्स ऑफ एच टी एम एल फाइव। एच टी एम एल फाइव की मदद से हम लोग यहाँ पे अपना एक फीडबैक फॉर्म या फिर एनरोलमेंट फॉर्म क्रिएट करना है। अगर आप लोग कॉलेज के लिए थीम यूज करते हैं फीडबैक फॉर्म होगा और अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी के लिए अगर आप लोग थीम क्रिएट कर रहे तो यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए फॉर्म होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉलेज के लिए क्रिएट करते तो हम लोग ये फीडबैक फॉर्म होगा। अब उसके आगे हम लोग क्या दिया गया है यहाँ पे कि द फॉर्म मस्ट कंटेन टेक्स्ट एलिमेंट एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी और पर्सन। जो भी कंपनी और पर्सन के लिए जैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग क्रिएट करें तो उसमें हम लोगों को उस एलिमेंट्स में जैसे उसका टेक्स्ट मतलब उसका नेम चाहिए हम लोगों को, एक टेक्स्ट फील्ड हम लोग लेने वाले इनपुट्स हैं और एक ईमेल एड्रेस हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करने के लिए जैसे पेज टू में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें हम लोग को फॉर्म क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे। अब फॉर्म टैग में डायरेक्ट एक्शन या एट्रीब्यूट आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा। अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या है इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोग एचटीएमएल की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट की गई है। जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आते हैं सभी के एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे आप लोग क्लियर किया हुआ है। तो फिलहाल इसे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, इसके हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर्म टैग हम लोगों ने लिए, हम लोग को फॉर्म टैग में जैसे एक स्टूडेंट का नेम चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे तो यहाँ पे इनपुट ये टाइप ले लेंगे, ये इनपुट ये टैग नेम है और ये टाइप एट्रीब्यूट में यहाँ पे टेक्स्ट एज इट इज जैसे ऐसे रख देंगे और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे हम लोग नेम एट्रीब्यूट में, यहाँ पे नेम दे देंगे ये हम लोग का स्टूडेंट नेम है तो एस टी नेम कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग
और एक टैग यूज करेंगे ईमेल एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इनपुट टैग नेम दे देंगे और टाइप में यहाँ पे अब टेक्स्ट की जगह पे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे ईमेल। ईमेल टाइप किया और यहाँ पे नेम दे देंगे इसका एसटी ईमेल। बस इतना ही टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में इसे कंट्रोल एस सेव कर देंगे और हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे। और यहाँ पे फीडबैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सही से शो हो रहा है। लेकिन फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जैसे हम लोग स्टूडेंट नेम के लिए यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग लेबल टैग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप करोगे तो भी आप लोग का आउटपुट शो होगा। अब जैसे पहले जैसे हम लोग न्यू लाइन पे लेना है तो यहाँ पे हम लोग बीआर टैग यूज़ करेंगे, टू बीआर टैग यूज़ करेंगे ताकि टू ब्रेक लाइन यहाँ पे शो होंगी। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू लाइन पे ये आप लोगों को सेकंड टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। अब यहाँ पे इनपुट टैग और लेबल टैग इस सब के डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के लिंक भी आप लोग को आई बटन मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेबल टैग नहीं ले रहे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे टेक्स्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम दे देंगे, कॉलन दे देंगे, कंट्रोल एस जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखें स्टूडेंट नेम आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे हम लोगों को ईमेल आईडी चाहिए तो यहाँ पे बीआर टैग के बाद में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे स्टूडेंट ईमेल। बस स्टूडेंट ईमेल टाइप किए, कॉलन टाइप किए, कंट्रोल एस किए तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। अब फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे, आगे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस तक हम लोगों ने कंप्लीट किए, उसके बाद में इंक्लूड द सबमिट बटन। अब इसमें हम लोग एक सबमिट बटन भी चाहिए तो फर्स्ट स्टेप बी आर टैग हम लोग ने टू यहाँ पे दिए हुए, इसे कॉपी कर देंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग नेम ले लेंगे और यहाँ पे टाइप में आप टाइप कर देंगे। हम लोग बटन भी दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबमिट ये हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसका जो वैल्यू है मतलब जो बटन के ऊपर हम लोग को टेक्स्ट शो करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम दे देंगे कैपिटल में सबमिट। सबमिट टाइप किए, कंट्रोल एस किए। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे चेक करेंगे जैसे आप लोग फीडबैक फॉर्म हुआ। अब इस फीडबैक फॉर्म को अगर आप लोग सेंटर सेक्शन में लेना है तो आप लोग यहाँ पे एंट्रेंस सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे स्टाइल ये टैग नेम दे देंगे और यहाँ पे एंट्रेंस सीएसएस हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्म एज ए सिलेक्टर हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट शो रहे तो इसका टेक्स्ट अलाइन हम लोग सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी फॉर्म के टेक्स्ट आप लोगों को सेंटर में शो होंगे। जो आप लोग फीडबैक फॉर्म ये आप लोग यहाँ पे सेंटर में चाहिए तो ये हम लोग का H1 टैग में, तो यहाँ पे हम लोग H1 टैग एज ए सिलेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे ओपन कर ली से क्लोज कर ली डिक्लेरेशन में हम लोग यहाँ पे फिर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद में ये जो फीडबैक फॉर्म ये भी टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे सेंटर में शो हो जाएगा। अब फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब ये प्रोग्राम में जैसे हम लोगों का टू पेज क्रिएट करने दिया, ये सब कुछ हम लोगों का कंप्लीट हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर CSS प्रॉपर्टीज भी यूज करना है। तो फोर CSS प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे index.html इस पेज के ऊपर यहाँ पे देने वाले फोर CSS प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हम लोग बैक कर देंगे, ये हम लोग का पेज है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोर CSS प्रॉपर्टीज यूज करने लगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग यूज किया हुआ है तो एज ए यहाँ पे पी सिलेक्टर ले लेंगे, ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे शो रहे इसका हम लोग फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे और इसकी साइज दे देंगे 20px। 20px टाइप के कंट्रोल एस के तो यहाँ पे आप लोग देख सकते 20px इसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गई। उसके बाद में अगर इसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड अगर आप लोगों को चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी यूज कर दोगे। आप लोग अपने अकाउंट जो भी कलर चाहिए आप लोग दे देना। जैसे आप लोग यहाँ पे ग्रे कलर दे रहे हैं, ग्रे कलर यहाँ पे दे दिए कंट्रोल एस के तो यहाँ पे आप लोग ग्रे कलर यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट आप लोगों को शो हो रहे हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे और यहाँ पे कलर नेम दे दोगे। जैसे हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर दे देंगे तो यहाँ पे व्हाइट टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट में शो होगा। उसके बाद में अगर इस जो टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए इसके बॉर्डर अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे बॉर्डर। ये बॉर्डर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दे देंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमने देंगे इसकी साइज, हम लोग बॉर्डर कितनी साइज चाहिए 2px चाहिए। बॉर्डर की स्टाइल कौन सी हम लोग को यहाँ पे सॉलिड चाहिए और उसके बाद में बॉर्डर कलर कौन चाहिए तो यहाँ पे हम लोग येलो कलर दे देंगे या फिर आप लोग अपने को रेड कलर भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग येलो कलर दिए कंट्रोल एस के तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं येलो कलर के इसके ऊपर बॉर्डर आप लोगों को शो हो जाएंगी। तो ये फोर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर यूज किए। अब जैसे फीडबैक कॉन्टैक्ट, अब जैसे इसका मैं पूरा आउटपुट आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ इस टाइप में अब हम लोगों का आउटपुट शो रहा है। अब यहाँ पे पेज का कलर चेंज करना है या जैसे फीडबैक ये जो कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पे नेविगेशन लिंक हम लोग को शो हो रही है जो हाइपर लिंक के लिए यूज किए तो यहाँ पे इसे हम लोग सेंटर में लेना है या इमेज को सेंटर में लेना है। अब इसे सेंटर में कैसे लेंगे तो मैं आप लोग इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम लोग फर्स्ट नेविगेशन जो हम लोगों का है नेव ए सिलेक्टर ले लेंगे, ओपन कर लिए से क्लोज कर लिए, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है और यहाँ पे सिर्फ हम लोग टाइप करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस कर देंगे तो ये टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे सेंटर में शो होंगे।
और जो हम लोग इमेज जैसे भी हम लोग सेंटर में शो करना है, जैसे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट में यहाँ पे इमेज है, आप लोग यहाँ पे सेंटर में शो करना है इसे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे IMG टैग एज ए यहाँ पे हम लोग सिलेक्टर ले लेंगे। IMG टैग ये हम लोग सिलेक्टर ओपन कर लिए, क्लोज कर लिए, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे इमेज के हाइट विथ आप लोग अगर चेंज करना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हाइट और विथ ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज करोगे। अब जैसे हम लोग सिर्फ इमेज को यहाँ पे सेंटर में लेने वाले, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन इसकी जो राइट है, मार्जिन राइट इसे हम लोग यहाँ पे ऑटो कर देंगे, और जो इसकी मार्जिन लेफ्ट है इसे भी हम लोग यहाँ पे ऑटो करने वाले, कि जैसे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे ऑटो कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कुछ भी चेंजेस आप लोग यहाँ पे शो नहीं होगा, ये इमेज एज इट इज जैसे ऐसे यहाँ पे शो होंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसे कहा जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देंगे उसकी वैल्यू ब्लॉक, ब्लॉक दिए, कंट्रोल एस किए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज आप लोग सेंटर सेक्शन में यहाँ पे सही से शो होंगी, उसके बाद जैसे हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। अब जैसे आप लोग ये जो इमेज यहाँ पे शो हो रही सेंटर सेक्शन में, ये भी सब कुछ सेंटर सेक्शन में, अगर इसका बैकग्राउंड कलर आप लोगों को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे BG कलर एज एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे पिंक कलर में यहाँ पे दे रहे हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहिए यहाँ पे दे देना, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप में आप लोगों का ये वेब पेज क्रिएट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही फर्स्ट SOP हम लोग प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।